स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं स्टैटिक जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्स ऑफ द इंडिया, भारत की प्रमुख झीलें। और इस पर बकायदे आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैंने क्लास ले रखा है जिसका आप प्ले लिस्ट में जाकर के जो है देख सकते हैं। उसमें भारत की समस्त जिलों का मैंने जो है जिक्र किया है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट सिर्फ रिवीजन के पर्पज से जो है हम लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे। और आप जानते हैं स्टडी ऑफ द लेक्स यानी झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और भारत की कुछ प्रमुख झीलें दो प्रकार की होती हैं। उस क्लास में भी मैंने बताया आपसे, एक होती है मीठे पानी की झील और दूसरी होती है खारे पानी की झील, सॉफ्ट वाटर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक। आइए देखते हैं इनमें से कुछ झीलों के बारे में। अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थिति है, स्थिति नहीं होना चाहिए, कहाँ स्थित है, या फिर लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील या भोजताल झील कहां पर है, ऐसे प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करेंगे। तो मैंने बताया कि झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक झील होती है जिसको हम लोग कहते हैं मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी पड़ी है, नहीं, जो मीठे पानी की झील होती है, जो मीठे पानी की झील होती है जिसको सॉफ्ट वाटर लेक कहते हैं, ये ऐसी झील होती है जो बिल्कुल वैसी झील होती है, यानी इसमें वाटर इनफ्लो भी होता है और वाटर आउटफ्लो भी होता है, दोनों अगर जो है प्रक्रिया हो रही है तो ऐसी झील को जो है सॉफ्ट वाटर लेक या फिर जो है मीठे पानी की झील कहते हैं। जैसे वुलर भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील, या सुपीरियर जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन दूसरी जो होती है वो बड़ी जो है वो होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं जी खारे पानी की झील। क्या कहते हैं? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और खारे पानी की जो झील है, खारे पानी की झील जिसमें वाटर इनफ्लो तो होता है लेकिन आउटफ्लो का कोई प्रबंध नहीं होता है, ऐसी झीलों को हम लोग जो है खारे पानी की झील कहते हैं। जैसे चिल्का भारत की सबसे जो है बड़ी खारे पानी की झील है। और उसके बाद लोकटक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भारत की जो है खारे पानी की झील है। यहाँ पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात कर रहा है तो ये चिल्का झील है। चिल्का कहाँ पर स्थित है तो आप कहेंगे उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? यह भारत की सबसे बड़ी सागर तटीय झील भी है और एक प्रकार की ये लैगून झील है। और भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ये लैगून झील है। झीलों से संबंधित जो मैंने जियोग्राफी की क्लास ली थी, आप जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। उसमें एक्स वाई जेड जितनी भी झीलें हैं सबको मैंने जो है वहाँ उससे संबंधित क्वेश्चन को कराया है, पढ़ाया है। ओडिशा में स्थित है चिल्का झील, और चिल्का झील जिसको कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के द्वारा अपने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यानी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो है दुनिया में कैट, जो फिशिंग कैट पाई जाती हैं, कौन सी फिशिंग कैट, फिशिंग कैट, फिशिंग कैट जो है, जो कि पश्चिम बंगाल का ये राज्य की पशु भी है, फिशिंग कैट को इस झील का राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर जो है घोषित किया गया है। और करीब करीब 2022 में दुनिया में पहली बार कहीं पर फिशिंग कैट का जो है ये कह लो कि जनगणना हुआ तो पता चला कि हाँ 176 जो है फिशिंग कैट जो है रह रही है। तो ये भी कुछ एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इस झील के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न जो है आइलैंड हैं, द्वीप हैं, जिसमें एक है आपका नल बांध जो कि अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है उसको चिन्हित किया गया है। कुछ नदियाँ भी हैं जो कि इस झील में आकर के मिलती हैं। आप कमेंट करके अगर बता सकें तो अच्छी बात है। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। डल झील जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और भीमताल झील, भीमताल झील कहाँ है इसको कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वैसे मैं ट्रिक बताया था कि जितनी भी झीलें होती हैं जिनके नाम के साथ ताल शब्द जो है जुड़ा होता है वो सब के सब जो है भारत के एक विशेष राज्य से संबंध रखती हैं, लेकिन उसका कुछ अपवाद भी है। जैसे उसका कुछ जो है अपवाद भी है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है। बैरीनाग झील जिससे कि जो है झेलम नदी निकलती है, कौन सी? यहीं से जो है बैरी झील जो है झेलम नदी निकलती है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये पर जो है मणिपुर में है, और मणिपुर तो इस समय बेहद शांत जो है जगह है, बताने की जरूरत नहीं। दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी झील के अंतर्गत आपको मिलेगा, मणिपुर में लोकटक झील के अंतर्गत आपको जो है पाया मिलेगा। और यहाँ पर एक हिरण पाया जाता है जिसको जो है कहा जाता है, क्या इसको कहा जाता है? सगाई नहीं, संगाई, सगाई तो कुछ दूसरा हो जाएगा, संगाई। और इसीलिए यहाँ पर संगाई महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। सांभर झील बताने की जरूरत नहीं, सबसे अधिक खारे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे अधिक खारे पानी की झील, दोनों में अंतर है। सबसे अधिक खारे पानी की झील इट मींस इसमें साल्टनेस अधिक है, लवणता अधिक है। और ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 को, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है? तो दूसरी जो है पुलिकट झील है। कौन सी? पुलिकट झील, जिसका 70% जो है हिस्सा कहाँ पर है? तो इसका 70% हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में है, और शेष 30% जो है कहाँ है? तो आप कहेंगे कि शेष इसका 30% जो है यहाँ है, कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है, इसी पुलिकट झील के बीचों बीच जो है स्थित है कौन सा, कौन सा? तो आप कहेंगे श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, यानी सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसी झील के बीच में स्थित है, और उस झील को, उस झील में जो द्वीप है उसी द्वीप पर, उस द्वीप को श्री हरिकोटा कहते हैं। द्वीप का क्या नाम है? तो जो आइलैंड है उसका नाम है श्री हरिकोटा। और अब न सिर्फ जो है इसरो के द्वारा बल्कि दूसरों के द्वारा भी जो प्राइवेट स्पेस शटल या फिर दूसरे अंतरिक्ष यान जो छोड़े जा रहे हैं, वो सब के सब जो है यहीं से, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, पुलिकट झील से लॉन्च किए जाते हैं, श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। अगला प्रश्न, लोनार झील सबको पता है महाराष्ट्र है, अचानक से जो है इसका रंग पिंक हो गया तो ये चर्चा में है। इस सेशन में मैंने उन झीलों को उठा उठा करके जो है एक जगह कलेक्ट किया है जो कि इस वर्ष या पिछले वर्ष किसी वजह से चर्चा में थी, और चर्चा में थी तो इसलिए उनके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। पुलिकट हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई वर्ष होता है, कोई ऐसा मंथ होता है जब जो है पुलिकट झील के बीच श्रीहरिकोटा से कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। और अब तो प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों के आ जाने की वजह से तो सैटेलाइट छोड़ना तो जैसे लग रहा है फुलझड़ी छोड़ना हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, चिल्का कहाँ? चिल्का उड़ीसा में। चिल्का बेम्बनाड कहाँ पर है? केरला में है, और बेम्बनाड भारत की सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई लगभग जो है करीब करीब जो है कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बनाड झील। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? झील अगर जो स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो झील जो है दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल झील, नेचुरल यानी प्राकृतिक झील होती है, और दूसरा होती है कौन सी? कृत्रिम झील। कौन सी? कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील होती है। मानव निर्मित झील सबसे बड़ी जो है वो जो है रिहंद बांध पर स्थित है। कहाँ पर? रिहंद। और रिहंद कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि यूपी, यूपी में सोन नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है रेणुका, रेणुका का ही वहां पर स्थानीय लोगों ने नाम बिगाड़ करके रिहंद कर दिया है। उसी रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा गोविंद बल्लभ पंत, जो कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले झीलों की तरफ। उससे पहले बता दें कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट अभी मैंने बताया कहाँ है? मणिपुर में है। मानसबल कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील निर्मित झील कौन सी है?
अगर जो है स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, इनके निर्माण क्रिया के बिहाफ पर अगर जो है देखा जाए, ज्योग्राफी वाली क्लास में उस पर डिटेल डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें जिसमें मैंने उस पर टाइटल आपको लिखा हुआ मिलेगा भारत की प्रमुख झीलें, उस पर वहाँ विशेष उस पर जो है चर्चा हुआ है, क्रेटर झील कैसे बनती है, ज्वालामुखी झील जब कभी भी जो है डारमेंट वाल्केनो या मृत ज्वालामुखी में एक बार विस्फोट होता है फिर कभी विस्फोट नहीं होता, तो उस वाल्केनो का जो माउथ होता है, जो मुख होता है, उसी को क्रेटर कहते हैं, और उस क्रेटर में इतना पानी भर जाता है कि जो है फिर वो झील का रूप ले लेता है, जैसे भारत की लोनार झील। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प जो है सही है। विक्टोरिया झील भी है, वो भी उसी, उसकी भी स्थिति वही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। लोनार झील, पुलिकट झील, बेम्बनाड झील, चिल्का झील, ये सब के सब जो है भारत की प्रमुख वो झीलें हैं जो कि चर्चा में रही हैं पिछले वर्ष। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तटीय झील का मतलब जो होता है सागर तट पे स्थित झील। तो जो है अगर पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी तटीय झील, अगर लंबी पूछेगा तो यहाँ पर पड़ती है और उसका नाम है बेम्बनाड। बेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी लंबाई करीब करीब जो है 96 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और सबसे बड़ी तटीय झील कहेगा, यह एक प्रकार की लैगून झील है। लैगून का मतलब समुद्र का पानी जब स्थल क्षेत्र में पहुंचता है और उसके वजह से जो है झील बन जाती है तो उसी को जो है लैगून झील कहा जाता है। और लैगून झील जो है ये चिल्का, ये भारत की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कहिए वो सही है। अगला प्रश्न, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके बताइए भारत में सबसे अधिक झीलें किस राज्य में स्थित है, भारत में सबसे अधिक झीलें किस राज्य में स्थित है। बेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, बेम्बनाड झील के बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा किया, केरल में, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। पंजाब में स्थित है, पंजाब में तो नहीं है, ये चंडीगढ़ में स्थित है, जिसका नाम है सुखना झील। क्या नाम है, सुखना, जो वर्ष भर कभी नहीं सूखती है, और इसी झील से जो है चंडीगढ़ को पेयजल का जो है यानी पीने वाले पानी की जो है आपूर्ति की जाती है। उत्तराखंड में स्थित सभी झीलें जिनके नाम में ताल होता है, और कौन से प्रदेश में स्थित झीलों में, झीलों के नाम में नाग या नागिन शब्द जो है मिलता है, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न जो है देखिए, बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है, पहले ही मैंने बताया, प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग हुआ है। अगला प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में, सात ताल कहाँ है, उत्तराखंड में, भीमताल कहाँ है, उत्तराखंड में, भोजताल कहाँ है, ना भोजताल स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तीसरा विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न, लोनार झील किस राज्य में है, महाराष्ट्र में स्थित है, और लोनार झील अपने बदलते हुए रंग के वजह से जो है आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न को जो है देखें, भोजताल झील अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित है भोजताल झील, राजा भोज के द्वारा जिसका निर्माण कार्य कराया गया ऐसा बताया जाता है। लोकटक झील जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हो, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है पहली बात, और यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है क्या, किबुल लाम जाओ, क्या नाम है, किबुल लाम जाओ, और किबुल लाम जाओ ये कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा आंसर सही है, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। इसी झील में जो लोकटक झील है वहीं पर जो है संगाई महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। संगाई महोत्सव यह एक प्रकार का जानवर होता है, संगाई हिरण होता है। गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, गोविंद सागर झील जो है
भाखड़ा नांगल, कहां पर? भाखड़ा नांगल जो डैम बनाया गया है वहीं पर स्थित है। डैम जैसा कि आप जानते हैं, जब नदियां पर्वतों से होकर के और मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं तो मैदानी क्षेत्रों में उतरने से पहले ही बांध बना करके इनके जल को रोक लिया जाता है, और उसके वजह से जो आर्टिफिशियल डैम बनता है, जो कृत्रिम जलाशय बनता है, और वही जल टारबाइन मशीन पर गिराया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाई जाती है। उसी जल का इस्तेमाल करके आपका सिंचाई या फिर जो है दूसरे कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। गोविंद सागर झील ध्यान रखेंगे, ये भाखड़ा नांगल बांध के पास जो है पड़ता है और पंजाब में, जबकि आपसे पूछे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है तो आप कहेंगे रिहंद बांध पर स्थित है, और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। प्रश्न संख्या अगला देखें, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील अभी बताया राजस्थान में स्थित है और भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यहां नमक का मामला लेकर के ये मामला वहां के जो है कोर्ट में था, इसलिए ये चर्चा में है। डल झील कहां पर स्थित है? डल झील जो है कहां पर है? श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, बताने की जरूरत नहीं। पुष्कर झील राजस्थान में कहां पर? अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहां पर? अजमेर में स्थित है, और पुष्कर झील के पास ही वहां पर आयोजन किया जाता है, क्या? पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखो, पुलिकट झील कहां पर स्थित है? पुलिकट झील आंध्रा और तमिलनाडु में स्थित है, तो क्योंकि आंध्रा नहीं दिया है तो फिर जो है डी विकल्प सही है। पुलिकट झील की कहानी अभी मैंने, निम्न में कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? राजसमंद वहीं पर है, पिछोला भी वहीं पर है, पुष्कर भी वहीं पर है। कांवर झील जो है कहां पड़ता है? तो अपने बिहार में पड़ता है। जो लोग बिहार से हैं वो बताएं बिहार में कहां पर ये स्थित है कांवर झील, क्योंकि ये झील भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे थे। आज के सेशन में बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज इस सेशन में, इस छोटे से सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।